हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMF। आज का हमारा ब्लॉग डेडिकेटेड है बजाज के सबसे खतरनाक, सबसे डेडलीस्ट नेकेड सेगमेंट के बाइक के ऊपर। तो जी हाँ, जिसको हम जानते हैं बजाज पल्सर N250 के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक का एक रिव्यू के हम अवश्य चल के करेंगे इस बाइक का एक टेस्ट ड्राइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस बाइक के व्हील के ऊपर, तो इस बाइक में आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील बेस, जो इसमें फ्रंट में मिलता है 180 सेक्शन के टायर और रियर में मिलता है 130/70 सेक्शन के टायर, पर इसमें रेडियल टायर उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, तो इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, जिसमें फ्रंट में मिल जाता है 100mm का सिंगल चैनल ABS और रियर में मिल जाता है 230mm का डिस्क ब्रेक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस बाइक के सस्पेंशन के ऊपर, तो इस बाइक में आपको फ्रंट में मिल जाता है 37mm के टेलीस्कोपिक और रियर में मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन। तो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस बाइक के इंजन के ऊपर, तो इस बाइक में आपको मिल जाता है 249cc का BS6 सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड FI इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 24.1 BHP का पावर 8750 RPM पे और 21.5 Nm का टॉर्क 6500 RPM पे, जो इस बाइक को डेफिनेटली एक अच्छा खासा पावरफुल मशीन बनाता है। तो एज ए राइडर पॉइंट ऑफ व्यू, इस बाइक में आपको सबसे स्वीटली मिल जाता है इस बाइक का मीटर कंसोल। तो इस बाइक में जो है सिर्फ आपका टेकोमीटर जो है वो एनालॉगली डिस्प्ले होता है और बाकी के सारे का सारा इन्फॉर्मेशन लाइक क्लॉक, मीटर, इंडिकेटर, फिर आपका टाइम और जितना भी इंफॉर्मेशन है सब के सब डिलीवर होता है एज ए डिजिटली, जो एक अच्छा खासा विजिबिलिटी पैदा करता है और अच्छा खासा लुक भी प्रोड्यूस करता है। और इस बाइक में एक स्पेशल चीज़ ऐड किया हुआ है, जो है एक मोबाइल चार्जर जो इनबिल्ड आता है कंपनी की ओर से, जो डेफिनेटली एक अच्छा खासा हर किसी सिनेरियो के लिए अच्छा खासा एक चीज़ है। तो इस बाइक की जो हैंडल बार है बहुत टिपिकल हर किसी नेकेड बाइक के जैसा ही है, नॉर्मल टाइप का। और यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर स्विच मिल जाता है और नॉर्मली हॉर्न का बटन मिल जाता है और पासिंग लाइट और लाइट का नॉर्मली मैनुअल फंक्शन वगैरह, जो भी लाइट का सेटअप है उसको कंट्रोल करने का इंडिकेटर यहाँ पर है। और इस तरफ आपको मिल जाता है जो है इंजन कल स्विच और सेल्फ का स्टार्ट। और ये इस बाइक का जो हैंडल बार है और यहाँ पर स्पेशली ये जो हैंडल बार के यहाँ पर लाइटिंग का सिनेरियो है, इसके वजह से रात में इस बाइक को राइड करने में बहुत मजा आएगा, अल्टीमेटली बहुत अच्छा लगता है एज अ राइडर पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस बाइक के लाइटिंग के सिस्टम के ऊपर, तो इस बाइक में आपको फ्रंट, रियर और इंडिकेटर सब के सब लाइट LED में मिल जाता है, जो एक अच्छा खासा लुक प्रोड्यूस करता है। फ्रंट से दिखने में तो इस बाइक को लिटिल बिट मॉन्स्टर टाइप का लगता भी है थोड़ा बहुत। एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसने इस वीडियो को बनाने का मौका दिया और इस बाइक को राइड करने का एक्सपीरियंस लेने का मौका हमें दिया। तो बहुत हो गया बातें, अब करते हैं इस बाइक एक टेस्ट ड्राइव। तो अभी शोरूम से बाहर लेकर चलता हूँ और फिर इसको एक बार रोड पे उतार के देखता हूँ क्या कर सकता है ये मशीन। ओह माय गॉड, इस बाइक में जो पावर है एकदम रॉ पावर टाइप का दिया हुआ है, जो बहुत अमेजिंग है। वैसे थोड़ा सा संभल के चलाना भी पड़ेगा क्योंकि इस बाइक में डेफिनेटली सिंगल चैनल ABS है, तो थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा। वैसे मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और इस बाइक का जो सेटअप है स्पेसिकली ये जो आपका मोबाइल चार्जिंग टाइप का दिया हुआ है, इसके वजह से ये एक अच्छा खासा टूर मशीन तो डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि यार ये रिलैक्सिंग जोन पैदा करता है कि चलो मेरा मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म है तो इसमें भी कुछ खास डाउट नहीं होगा, ठीक है चल चला जाएगा। वैसे ये सेटअप हर किसी टूरर मशीन में देना चाहिए मेरे ओपिनियन के अनुसार। और जो भी है इस बाइक में, अगर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सेटअप के ऊपर, तो इस बाइक में बेसिकली वेट जो है इस बाइक का 162 kg है, जो लाइट वेट मशीन के हिसाब से पावर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में 165mm का है, जो एक लिटिल बिट कम्फर्ट जोन पैदा करेगा भी ऑफ रोड में, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा शायद। सीट हाइट इस बाइक में है 795mm का, जो मतलब हर किसी टॉल राइडर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्ट राइडर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। माइलेज इस बाइक में कंपनी ने कम करता है लगभग 35 के आसपास और 14 लीटर का टैंक है, तो इस बाइक में ऑलमोस्ट जो है जो रेंज है इस बाइक का बहुत अच्छा आएगा किलोमीटर, लगभग ये 400
400 या फिर उससे आसपास कैलकुलेट करके होगा शायद, मुझे इतना ज़्यादा एक्यूरेटली अभी कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे इतना हम, जो भी है। अब उसके बाद अगर कीमत की बात करेंगे तो इस बाइक का पता नहीं, ये जो एक शोरूम प्राइस है वो डीलर टू डीलर या स्टेट टू स्टेट तो वैरी करता है, तो डिफरेंट अगर आपको लेना है तो इस बाइक में आपको डिफरेंटली आपको डीलर में जाके इसको विजिट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बाइक मुझे पर्सनली एज ए नेकेड बाइक बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा, क्योंकि टूरिंग के मामले में डिफरेंटली नेकेड बाइक में जो है लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जो एक अच्छा खासा मतलब बहुत पूरी तरीके से मुझे एक ऑलराउंडर बाइक ये लगा बेसिकली। तो जो भी है करते हो इस वीडियो को ये पर क्लोज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करो लाइक और मेरे चैनल को डिफरेंटली सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।